आज की शाम धनु के नाम, तो आज हम करेंगे धनु के लिए पेस से थोड़ा सा केक। तो धनु, ये तुम्हारे लिए सारी बता नहीं सकते, ये होगा हमारे लिए। तू खा ले भाई, तू खा ले। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, हम लोगों का जो प्लान था आज का हो गया थोड़ा बहुत, और अब्दुल भाई भी आ गया हम लोग के साथ, तो इसको पकड़ के लाना पड़ा भाई। इतना नखरे कर रहा था, मैं इधर हूँ मैं उधर हूँ ऐसे करके बहुत नखरे कर रहा था। ये कभी तो नहीं, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे दोस्त की कसम, कसम से बोल रहा हूं। मैं मरूंगा भाई, डेफिनेटली मैं मरूंगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली मरूंगा, ठीक है। So what's up guys, कैसे हो सब? I know I am late, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं शूट कर रहा था मैं बोल रहा हूँ, या फिर वीडियो क्यों नहीं बना रहा था मैं सब बता रहा हूँ इस वीडियो में। सो एक्चुअली क्या हुआ था गाइज, आफ्टर आज़ाद हिंद राइड मेरा दो वीडियो आया था शांति निकेतन का। बेसिकली शांति निकेतन का जो राइड था वो बहुत पहले का था, मैंने वीडियो एडिट नहीं किया था इसीलिए लेट अपलोड किया था उसको। तरीके 8 तक मेरा कैंप चला था, तो उस कैंप में था मैं, उधर ही मेरा काम था। और अभी थोड़ा बहुत काम बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो अभी हो रहा है सुबह के 11:17 एंड मैं निकल पा रहा हूँ अपने काम से। सो गाइस, बेसिकली माफ़ कर दो मुझको, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा डेली बेसिस, बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ और बहुत कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से इस चीज़ के लिए। एक बार अगर मेरा चैनल खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद भाई देखना कैसा कैसा व्लॉग आएगा। बस इसको भूख लगता है तो खाना देना होता है ना इसको, बस उसी के लिए थोड़ा पैसों की जुगाड़ करना पड़ता है मेरे को, समझ रहे हो ना गाइज। तो गाइज, आज शाम को मैं अब्दुल के साथ थोड़ा निकलूंगा बाहर, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये अभी मतलब इतना सा वीडियो नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो आज क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे। और हाँ गाइज, आज है धनु का फर्स्ट एनिवर्सरी, मतलब हैप्पी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, जो भी कहना है आप कह सकते हो। टुडे इज 11th of Feb एंड मेरा धनु का आज 1 साल हो गया है इसको लिए हुए। मैंने लिया था इसको Feb 11, 2020 में, और आज है Feb 11, 2021। सो 1 ईयर कम्प्लीटेड, और आज होगा इसका छोटा मोटा सेलिब्रेशन, और उसके साथ 10,000 किलोमीटर का भी सेलिब्रेशन होगा एक। तो वीडियो में बने रहना, धमाल वाला ब्लॉग होगा ये, सो प्लीज बने रहना गाइज। सो गाइज, आई एम रेडी, और अभी हो रहा है शाम के 5:22 हो रहा है अभी, और अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, और इधर मेरा धनु है, ठीक है। तो अभी जाएंगे कहाँ, आप लोगों से यहाँ पे मिलके बताएंगे, ठीक है। तो गाइज, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और मैंने प्लान किया था कि आज तारकेश्वर जाएंगे, थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब ऐसा कुछ सोचा था। लेकिन अब्दुल ने अभी कॉल किया मेरे को, अभी 5 बज रहा है, मेरा अभी छुट्टी हो गया, तो उसने फ़ोन करके बोला है कि भाई मैं अभी सिंगूर में हूँ और अभी आ नहीं पाऊँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 6 बजे यहाँ पे पहुँचेगा। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, कोई ना, मैं सिंगूर आ जाता हूँ, मेरे को थोड़ा व्लॉग करने का मतलब वो भी मिल जाएगा। तो चलते सिंगूर और थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे आज गाइज, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही करेंगे। तो गाइज, ये मेरा भाई, वो हेलमेट नहीं लेके आया पता है, लेकिन उसको इग्नोर करो क्योंकि वो मेरे लिए आया था काम से। पुलिस वाला।
तो अभी घर जाएगा, मैं निकल जाऊंगा सिंगूर। तो उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि वो लोग निकल चुका है सिंगूर से। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि करूँगा तो क्या करूँ, मतलब करूँ तो क्या करूँ, अभी इधर रुकूँ या मतलब सिंगूर जाऊँ या फिर तारकेश्वर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलो इधर तो रुकने के लिए बोला है उसने, अभी फ़िलहाल इधर ही रुकते हैं। सो गाइज राइट नाउ वी आर हियर एट NH2, और अब्दुल फिर से चेंज कर दिया उसने लोकेशन, उसने कामारकुंडू बोला था लेकिन वहाँ से थोड़ा आगे आना पड़ा। अभी देखना पड़ेगा वो लोग कहाँ है, इधर थोड़ा रुकेंगे देखते किधर है। ओके इधर से कॉल करना पड़ेगा उसको। ओ भाई पहली बार यहाँ पे रुका हूँ, हो वाओ क्या लग रहा है भाई, सच में यार नाइस। थोड़ा घूम ले आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओ वाओ यार क्या लग रहा है। नाइस नाइस प्लेस भाई, सच बोल रहा हूँ पहली बार आ रहा हूँ इधर, मतलब रुका पहली बार। और उधर मेरी धन्नो, मेरी जान, मेरी सब कुछ उधर ही है। चलो देखते हैं, कॉल करते हैं अब्दुल को कब तक आएगा देखते हैं, क्योंकि अकेले अकेले में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सिकंदर को पकड़ लिया गया है अब्दुल भाई को, वो इधर उधर भाग रहा था, मेरे को इधर उधर खड़ा होने के लिए बोल रहा था, तो लास्ट ऑफ ऑल उसको सिंगूर से पकड़ के लेके आया, बहुत बहाने नखरे दिखा रहा था। और अभी जा रहे हैं 99 पे, उधर थोड़ा खाएंगे पियेंगे, उसके पियेंगे मतलब चाय पियेंगे, उसके बाद हम अपने घर वापस जाएंगे। तो चलते हैं 99 पे, हम आ ही चुके हैं, बस सामने ही है 99। हम आ गए इधर, अभी जाएंगे देखते हैं। चल ये बंदर, इसको पकड़ के लेके आना पड़ा। ठीक है गाइस, हमको माफ कर दो, मुझसे निकल गई, हमसे गलती हो गई। तो हम जाएंगे मोंगिनी इस पे पहले, उसके बाद चाय पाय पियेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट। ओ भाई थैंक यू भाई थैंक यू। तो क्या खाया जाए आज की शाम, धन्नो की नाम हमने ले लिया, दो पेस्ट्री, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला था ज्यादा बजट नहीं है। ये नहीं, हमारे धन्नो पीछे ये रहा, धन्नो के ऊपर रख पहले, अब फेंकेंगे बॉम्ब और हमारी जान। सो इसको खिलाएंगे, इसका मतलब जो खाना होता है इसको ये वो खिलाएंगे और हम लोग खाएंगे ये। सो हैप्पी बर्थडे टू धन्नो एंड हैप्पी फर्स्ट ईयर टू धन्नो। गाइस सब लोग कमेंट कर देना, और ये खाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज की शाम धन्नो के नाम, ये थोड़ा आपके लिए, आप तो खा सकते नहीं, आप देखो हम लेते हैं मजे। रुक इसमें सुनाई नहीं देगा, रुक। आज की शाम धन्नो के नाम, तो आज हम करेंगे धन्नो के लिए पेश थोड़ा सा केक। हम दोनों खाएंगे, थोड़ा सा खा ले भाई। ओके
छोटा सा पीस हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी, इन लोगों को भी दे दे भाई छोटा सा। इनको सॉरी भैया हमारे पास में पैसे नहीं है, लेकिन जो भी हो अगर हुआ ढंग का आपने अगर सपोर्ट किया हम सबको तो एक ट्रीट मेरी तरफ से सबको, मतलब धन्नो के नाम। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, फिलहाल हाल ये है देख सकते हो आप लोग, और पीछे अब्दुल है। हम लोग, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हालत थोड़ा ख़राब है, तो छोटा मोटा केक वेक हम लोग खाएंगे अभी, उसके बाद मिलेंगे। तो आज की पार्टी हमारी तरफ से धन्नो को बोलो उठे हैप्पी बर्थडे टू धन्नो। अबे ऐसे करो, अबे यार इसमें उठा लेना। चीयर्स। सो गाइस खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है बाय। सो गाइस हम लोग का चाय आ गया, अब्दुल नहीं खाएगा, उसने बोला नहीं खाऊंगा। इसका हाल देख रहे हो, हाल बेहाल है, हाल बेहाल है। तो सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे देख लेना फोटोज, ठीक है। तो अब्दुल भाई ने मस्त मस्त दो तीन फोटो क्लिक किया है मेरा, मैं अपलोड ज़रूर करूँगा कुछ देर बाद घर जाके। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, हम लोगों का जो प्लान था आज का हो गया थोड़ा बहुत, और अब्दुल भाई भी आ गया हम लोगों के साथ। तो इसको पकड़ के लाना पड़ा भाई, इतना इतना नखरे कर रहा था, मैं इधर हूँ मैं उधर हूँ ऐसे करके बहुत नखरे कर रहा था ये। कभी तो, नहीं आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे दोस्त की कसम, कसम से बोल रहा हूं मैं मरूंगा भाई, डेफिनेटली मैं मरूंगा, ठीक है मैं डेफिनेटली मरूंगा, ठीक है। तो कोई ना, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमारा जो माहौल बनता है, मतलब गिटार लेके हम लोग सब बैठते थोड़ा गाना वाना करते, तो उधर जाके आप लोगों को मिलाते सब लोगों से, ठीक है। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से और अभी जा रहे हैं, पीछे अब्दुल गाना गा रहा है, ठीक है वो उसका जब गाना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दाड़ा उड़ा रहे बाबा, क्या अजीब आदमी है भाई, रास्ते में जैम है वो साइड से घुस रहा है भाई। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों को घर जाके, जहाँ पे हम लोग बैठेंगे उधर जाके मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी रात हो चुका है, उतना वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो जो कुछ बताना था मैंने बता दिया और बाकी जो चीज़ रहेगा वो बताएंगे, और एक बहुत जल्द एक राइड होगा तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और इंस्टाग्राम फॉलो करना, क्योंकि उसमें यूट्यूब से ज़्यादा पहले अपडेट आ जाता है, तो फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो गाइज ये कार्तिक है, अभी गेम खेल रहा है, देखो क्या गेम खेल रहा है, देखो क्या हो गया सोविक भैया, इनके बारे में बोल रहा था, मेमोरीज बैंड। और ये हम लोगों का गिटारिस्ट है, ये अतीश है, वो सुरजीत है, वो ऑसिस है, टीपू सुल्तान है, और ये कौन है, ये अब्दुल है, और इसको तो मिला दिया।